उनके दिल पत्थर बन चुके हैं, उनके दिलों में रहम नहीं है, वो इस कौम पर रहम करने के लिए तैयार नहीं है कि आप खुदा के लिए ये खिलवाड़ ना करें, मत करें, ये कौम जो है आपको माफ़ नहीं करेगी। बड़ा घमंड है लोगों को अपनी ताकत पर, लेकिन कौम माफ़ नहीं करेगी, इसलिए कि जो वो बात करेंगे वो सुनने की ताब नहीं है। रेड लाइन क्रॉस हो गई है, इमरान खान साहब पर कातिलाना हमला हुआ है, उनकी दोनों टांगों। दोस्तों अभी हाल ही में पाकिस्तान के अंदर में इमरान खान को सपोर्ट करने वाले पाकिस्तानी पत्रकार अरशद शरीफ की हत्या हुई केनिया के अंदर में गोली मारकर, और अब जो है पाकिस्तान के अंदर से बड़ी खबर आ रही है और आपको पता भी चल चुका होगा कि इमरान खान की रैली में फायरिंग हुई है। जो गोली है वो इमरान खान के दोनों टांगों के बीच से गुजरी है, और इमरान खान तो पता ही है आपको कि हमारे लिए, हम भारतीयों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बंदा है, क्योंकि जो काम इमरान खान कर रहा है पाकिस्तान के अंदर में वो शायद करने में काफ़ी समय लगता। अब ट्विटर पे ट्रेंड हो रहा है बाजवा गद्दार है और फायरिंग वगैरह वगैरह, मतलब बाजवा को लेके, पाकिस्तानी फौज को लेके ट्विटर में तबाही फेर दिया है पाकिस्तानियों ने, और फौज को जो है गालियां पड़नी शुरू हो गई है। तो अब ये मान लीजिए आप एक तरह से कि अब जो है दुश्मनी जो है और बढ़ चुकी है इमरान खान और पाकिस्तानी फौज के बीच, और इमरान खान हर इलेक्शन में ये बता दे रहा है, ये साबित हो रहा है हर इलेक्शन में कि इमरान खान को काफ़ी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि काफ़ी लोग पाकिस्तानी फौज के इस वक्त खिलाफ हो चुके हैं। लेकिन देखते हैं डिटेल्स में इस वीडियो को, पूरा मामला क्या है, हुआ क्या है, और अभी तो बहुत डिटेल्स आएंगे इसके ऊपर में, बहुत बातें होंगी इसके ऊपर, तो सारे वीडियोज़ करूँगा आपके साथ शेयर। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखना होगा। और शुरू करते हैं इस वीडियो को, मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद। पर गोलियां लगी हैं, 3 से 4 गोलियां लगने की इत्तला है। एनी शाहिदीन के मुताबिक, खासतौर पर फवाद चौधरी का जो अकाउंट है उसके मुताबिक, फायरिंग करने वाले को रोकने की किसी ने कोशिश की, जब ऐसे फायर वो कर रहा था, हाथ नीचे होने की वजह से पांव पे गोली लगी, मतलब उसका निशाना सीधा सर या सीने की तरफ था। यह आपको मेरे पीछे जो सर्कल में दायरे में बंदा नजर आ रहा है, यह है वो बंदा जिसने इमरान खान को कत्ल करने की कोशिश की है। इस बंदे को लोग मार रहे थे, इसको पुलिस ने फौरन अपनी हिरासत में ले लिया है। हमलावर कौन थे, कितने थे, ये हमला किस तरह से हुआ, एक शहादत की इत्तला है, फैसल जावेद की हालत इस वक्त कैसी है, और अहमद चट्ठा जो है उनकी हालत तश्वीशनाक बताई जा रही है, और इस सारे के सारे मामले में इमरान खान साहब कौन सा बड़ा इंकशाफ करने वाले थे और क्या कहने वाले थे, जिससे पहले ये पूरे का पूरा हमला और ये जानलेवा हमला, कातिलाना हमला खान साहब पर किया गया। भाई यहां पे तहरीके इंसाफ को एडवांस में बता दूं कि लियाकत अली खान का मर्डर भी गिरफ्तार नहीं होने दिया गया था, कि याद रखें कि पुलिस की कस्टडी में आइन शिकनी से मरवा देंगे। अभी 2 दिन पहले राणा सनाउल्ला ने इमरान खान को कुचलने की धमकी दी थी। 2 हमलावर थे, इमरान खान साहब को सीधे फायर मारे गए, और बाल बाल फैसल जावेद बचे, उनके चेहरे के पास से गोली जो है वो टच करके गई, और अल्लाह ना करे ये गोली 1 इंच भी इधर हो जाती चेहरे की तरफ, तो जो नताइज हैं वो बड़े भयानक हो सकते थे। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रानुमा अहमद चट्ठा के हवाले से कहा जा रहा है कि उनकी हालत खराब है, उन्हें गोली लग चुकी है। आदम स्वाति ने बताया कि फैसल नसीर और ब्रिगेडियर फहीम ने तबाही मचाई हुई है, लोगों को नंगा कर रहे हैं, मार रहे हैं, लोगों को धमकियां दी जा रही हैं, सब उन्हीं पे इल्जाम आ रहा है। तो सबसे पहले तो राणा सनाउल्ला को फौरी तौर पे इकदामे कत्ल में गिरफ्तार किया जाए, पाकिस्तान की तारीख का सबसे हाई प्रोफाइल कत्ल करने की कोशिश की गई है। जनरल ज़िया से भी ये ऊपर के लेवल की कोशिश थी, ये बेनजीर के कत्ल से भी ऊपर के लेवल की कोशिश थी जो आज हुई है, और इमरान खान को गोली लगी अब तक की जो इत्तला है। जो हमला आवर है उसने फायरिंग के लिए पिस्तौल निकाली, और एक पिस्तौल से, और कहा यह जा रहा है कि यह पिस्टल जो है यह भी ऑटोमेटिक था, और इसने भी एक साथ ब्रस्ट निकाला। इसके साथ ही साथ एक सेमी ऑटोमेटिक या ऑटोमेटिक गन जो है उसके इस्तेमाल के हवाले से भी खबरें सामने आ रही हैं, और डॉक्टर यास्मीन राशिद ने, असद उमर साहब ने कंफर्म किया है कि खान साहब को गोली लगी है। इस सब के अंदर इमरान इस्माइल जो है उन्होंने यह कहा, मैं इनके नाम लेने के आपको बता रहा हूं किसने क्या कंफर्म किया। असद उमर साहब ने कहा कि टांग पर गोली लगी है, इमरान इस्माइल साहब ने कहा है कि इमरान खान साहब को 3 से 4 गोलियां लगी हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रानुमा और साबिक वजीरे सेहत पंजाब यास्मीन राशिद साहिबा ने कहा है कि पार्टी चेयरमैन इमरान खान को दोनों टांगों में गोलियां लगी हैं। इमरान खान को जो 7 लोग थे सिक्योरिटी के या मेडिकल टीम के, वो उठा के उन्होंने लेके गए और गाड़ी तक पहुंचाया, क्योंकि उनको पांव पे पट्टी करनी पड़ी है। अब या तो गोली उन्हें पांव पे ग्रेज करके या टांग पे गुजर गई है या अंदर घुस गई है, बहरहाल वो जख्मी है। इमरान खान जख्मी हुए हैं, फैसल जावेद खान के बारे में कहा जा रहा है कि वो जख्मी हुए हैं,
इमरान इस्माइल के बारे में भी इतला आ रही थी लेकिन यह कंफर्म नहीं लिया। यानी इमरान खान के जो करीब करीब लोग खड़े थे वो जख्मी हुए हैं। याद रखें ये कोई बुलेट प्रूफ नहीं है कि इमरान खान ऊपर खड़े होते हैं उनके सामने तो कोई शील्ड भी नहीं होती। तो जो लोग धमकियां दे रहे थे, जो हमले कर रहे थे, जिन्होंने अरशद शरीफ को कीनिया में नहीं बख्शा, इस हमले के पीछे भी वही हैं। अरशद शरीफ पे हमला करने वालों ने पर्दे डालने की बड़ी कोशिश की और आज इमरान खान ने जैसे ही कहा कि मैं वजीराबाद पहुंच के कुछ पर्दे हटाने लगा हूं, ये हमला हो जाता है। मेरे पाकिस्तानी आज वो रेड लाइन क्रॉस हो गई है कि इसके बाद अगर हम चुप रहे तो हमें फिर चूड़ियां पहन के घर बैठ जाना चाहिए। वहां पर इमरान खान साहब के इस्तकबाल के लिए आतिशबाजी होती है, वाई फायरिंग भी कुछ कर देते हैं तो शुरू में ऐसा, लेकिन जैसे ही कहा गया कि हमला हो गया है, हमला हो गया है, सब लेट जाएं, उसके बाद सारे रिपोर्टर्स जो कंटेनर पर थे या जो मीडिया पर्सन थे, इवन इंटरनेशनल मीडिया के नुमाइंदे, वो भी फौरी तौर पर लेट गए। और इत्तलात ये है कि इमरान खान साहब के कंटेनर के करीब फायरिंग हुई, इस फायरिंग में इमरान खान साहब तो जख्मी हुए और हकीकी आजादी मार्च के वजीराबाद में दाखिल होते ही इमरान खान साहब के कंटेनर पर फायरिंग की गई। इस कातिलाना हमले में इमरान खान साहब के समेत 6 अफराद जख्मी, यानी खान साहब और 5 मजीद अफराद जो हैं उनके जख्मी होने की तलात है, उन्हें THQ वजीराबाद मुंतकिल कर दिया गया है और एक शख्स के जान की बाजी हारने और शहादत की इत्तला है। इस मुल्क में जिन लोगों ने कब्जा किया हुआ 75 सालों से, वो छोड़ने वाले नहीं है आसानी से। ये खून की नदियां बहा देंगे लेकिन कब्जा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार इनका नाजायज कब्जा खतरे में है। ये हर काम करेंगे, हर इकदाम करेंगे। तो मेरे पाकिस्तानियों, घर बैठना आप तो इजाजत नहीं है। 71 साल का बंदा अपनी कौम के लिए अपनी जान को हथेली पे रख के बाहर निकला हुआ है, क्या आपको नहीं पता? क्या उसे नहीं पता ये कितने जालिम लोग हैं? क्या उसे नहीं पता ये लोगों को मरवा देते हैं, कत्ल कर देते हैं जो उनके रस्ते में आता है? वो फिर भी खड़ा है और हमारे और आपके लिए लड़ रहा है। अब यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने यह बात कही थी कि कचहरी चौक वजीराबाद पर मैं अहम बातें और अहम तरीन इंकशाफात करूंगा। और 7वां दिन था हकीकी आजादी मार्च का। इस वक्त मैंने जो बात की है बहुत से लोगों से, हकीकी आजादी मार्च उसी तरह से जारी रहेगा, इस्लामाबाद के तरफ रुख भी होगा, इस्लामाबाद की तरफ पड़ाव भी होगा। और PTI के रहनुमा यह बात कर रहे हैं कि आपका वजीर दाखिला आकर कहता है यह फितना है, इसका सर कुचलना है। सर कुचलने का मतलब क्या होता है? राणा सनाउल साहब ये बात कर चुके हैं। और अब FIR किस पर दर्ज होती है? पंजाब में चौधरी परवेज लाई साहब की गवर्नमेंट है, FIR दर्ज होती है तो गिरफ्तारियां होती हैं। कौन था जो उकसा रहा था, कौन था जो कह रहा था ये फितना है, इसका सर कुचलना है? ये PTI के लोग सवाल उठा रहे हैं, ये PTI के अपने कैंप से बात हो रही है और उन्होंने भी इस बात का इंदिया दे दिया है। वो हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए लड़ रहा है और आज वो आपके लिए गोली खा चुका है। पाकिस्तान की हिस्ट्री का पहला वाकया है कि किसी मुल्क का लीडर अपनी कौम में सबसे आगे खड़ा होता है, पहली गोली खाता है। याद रखना मेरे पाकिस्तानियों, ये याद रखना, उसने कहा था पहली गोली मैं खाऊंगा और उसने खा के दिखाई है पहली गोली। अब इसके बाद अवाम पीछे रह जाए, जिनके लिए मतलब वो गोलियां खा रहा है, जिनके लिए अपनी जान उसने हथेली पे रखी हुई है, वो घर बैठे रहे। मतलब आज तो ताकत के अवान लड़क जाने चाहिए, इतनी अवाम बाहर निकल आनी चाहिए। अगर आज मेरे पाकिस्तानियों हम डर के छुप करके घर बैठ गए ना, आज अगर हमने इसको कबूल कर लिया, ये सारी जिंदगी तक क्यामत हमें गुलाम बना के रखेंगे। आज पता है किस चीज पे हमला हुआ है? हमारे बच्चों के मुस्तकबिल पे हमला हुआ है, हमारी आजादी पे हमला हुआ है, हमारी गैरत पे हमला हुआ है। ये किसी इंसान पे हमला नहीं हुआ, कातिल लाया गया। पहले क्या कहते थे, अफगानिस्तान से बंदा आया, वो पकड़ा गया था, अब ये कहां से आया? इसकी जरा शक्ल देखें, इसका हुलिया देखें, आपको मेरे पीछे नजर आ रहा होगा दायरे में, इसका हुलिया देखें, इसको पकड़े, इसको उल्टा लटकाएं। और इसको जब ये नाम ले ना लोगों के, वो रिकॉर्डिंग करके चलाएं, पता चले इसको कौन लेकर आया है। ये बड़े खतरनाक लोग हैं, मैं आपको बताऊं, ये डायरेक्ट नहीं लाते बंदा, इनकी आगे प्रॉक्सी होती है, आगे उसकी प्रॉक्सी होती है, आगे उसकी प्रॉक्सी होती है, ये कवर ऐसा रखते हैं कि कभी कोई पकड़ा नहीं जाता, ये याद रखिएगा। लेकिन हमें पता है असल लोग कौन है जिनको इमरान खान से तकलीफ है, वो असल लोग जो खुद खुल के सामने आ गए, पर्दे के पीछे से निकल के सामने आ गए इमरान खान को नीचा दिखाने के लिए। मैं आपको बताता चलूं कि ये मुल्क इस टाइम भेड़ियों के हाथों में चला गया है। इस वक्त मैंने आपको बताया था ये जालिम लोग हैं, बड़े ये जालिम लोग हैं, ये इक्तदार नहीं छोड़ेंगे। इमरान खान जो जद्दोजहद कर रहे हैं ना, लोग कहते हैं जी ओ इमरान खान ने कॉल, आपको पता है ये इतना क्यों लटकाया गया? बड़ी कोशिश की गई खून खराब बनाओ, ये इन्होंने करना है खून खराब, इमरान खान नहीं करना चाहते, इन्होंने करना है। जब आप लोगों को निकालेंगे ना, इन्होंने इमरान खान को ऐसे ही करना था, मार देना था। जब इमरान खान को मार देना था, लोगों ने लॉलेस तरीके से बाहर निकलाना था, फिर तो लीडर ही कोई नहीं रहेगा।